घर से बैंक में पैसे जमा करने गई एमबीए की छात्रा का बदमाशों ने किया अपहरण। मैनपुरी से अपहरण हुई एमबीए की छात्रा हाथरस के एनएच 93 पर सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना पुलिस से मिली सूचना के बाद मैनपुरी से हाथरस परिजन पहुंचे। जी हां, आपको बता दें कि मैनपुरी के भोगांव निवासी मुन्नालाल तोमर की बेटी 26 वर्षीय पुत्री एमबीए की छात्रा मीनू घर से बैंक में पैसा जमा करने गई हुई थी। उसी दौरान उसका अज्ञात बदमाशों ने मीनू का अपहरण कर लिया, जिसके बाद मीनू के परिजनों ने मैनपुरी के थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैनपुरी से लापता हुई छात्रा मीनू बेहोशी की हालत में हाथरस जिले के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र एनएच 93 स्थित केवलगढ़ी के पास सड़क किनारे मिली। बताते हैं कि कार सवार कुछ लोग उसे सड़क किनारे डालकर भाग गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने छात्रा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए थाना पुलिस ने युवती के परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मैनपुरी से परिजन हाथरस के जिला अस्पताल पहुंच गए। मैनपुरी से हाथरस पहुंचे मीनू के पिता मुन्ना लाल ने बताया कि उनकी बेटी गाजियाबाद के एक संस्थान से एमबीए कर रही है। जिले के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र में एक युवती बेहोशी की हालत में मिली थी, क्या कुछ उसकी शनाख्त हो पाई है और क्या कुछ मामला सामने आ पाया? देखिए, मूल रूप से ये युवती भोगांव मैनपुरी की रहने वाली थी और वहीं पर उसके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको वहां से, जैसा उसके द्वारा बताया गया, किडनैप करने के उपरांत और उससे कुछ जहर खुराने या कुछ इस तरह की चीज़ की गई है यहाँ पर मिली। यहाँ पर उसको मेडिकल उपचार करने के बाद उसके परिजन भी आ गए थे। इंस्पेक्टर भोगांव से भी यहाँ हमारे इंस्पेक्टर चंपा की वार्ता हो गई थी, अभी वापस वहीं चले गए, अपना अभियोग पंजीकृत करा।